ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। बिलाशुबह ये भारतीय खलाई एजेंसी आईएसआरओ की बहुत बड़ी कामयाबी है आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस मिशन मैंने पचास दफा कहा दिस इज वॉट एन अचीवमेंट इज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है पब्लिक से बात करेंगे कि हम भी तो स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी रखते हैं हमें भी बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है जज्बा बहुत है चंद रोज में पी आई ए की एक और फजाई मेजबान कैनेडा के शहर टोरंटो में गायब हो गयी अबाउट इंडिया आप यहाँ पे मुझसे बात कर रही है इंडिया के बारे में No पहले ज़मीन पे हुए, बेबस लावारेस। खाते हुए, खाते एक एक जहाज से इंडिया है ना वो सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा रहा है जितनी हमारी टोटल पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है कैसे ग्रो कर सकते हैं क्या सीख सकते हैं इंडिया से इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज़ को खत्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो गगनयान मिशन पर काम कर रही है चंद्रयान और आदित्य एलवन की सफलता के बाद ये मिशन इसरो को और बुलंदियों पर पहुंचाएगा गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होने वाला है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी तभी से संभावित अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर संस्पेंस बना हुआ था इनके नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर अंगद प्रताप अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज एक कार्यक्रम में इनको विंग्स प्रदान किए और इनके नामों की घोषणा की यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उन्हें दुनिया के सामने पेश किया अब पाकिस्तान भारत के पहले मानव मिशन को देख सकते में है माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला थैंक यू सर फॉर ऑनर साथ में पीआईए की एक और इस्टर्स जो है वो टोरंटो कनाडा में आ, स्किप कर गई है जहाज से और उन्होंने वहां पे क्या अपने यूनिफॉर्म में थैंक यू पीआईए लिखकर और वो एक पर्ची छोड़ के गई है सिलसिला क्या है ऐसा हो क्यों रहा है बात हो रही है कि पीआईए की एक होस्टस जो है वो वहां पे स्किप कर गई है कनाडा टोरंटो में और उन्होंने कहा कि थैंक यू पिया ये ये पहला कोई इस किस्म का इंसिडेंट नहीं है ये तकरीबन तसलसल के साथ ये सारी चीज़ें चल रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है आ, जो एयर होस्टेस थी उनका नाम था जी मरियम रजा और इस्लामाबाद से टोरंटो की फ्लाइट थी सेवन एट टू पी के सेवन एट टू आ, उस पर इनकी ड्यूटी थी और जो टोरंटो से कराची की परवास एट फोर है उस पर ये मतलब ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी खैर ऐसा हुआ कि जब उनका रूम खोला गया तो उन्होंने अपने यूनिफॉर्म पर शुक्रिया पी की एक पर्ची लगाकर वो वोद थी याद रहे कि रवा साल पी आई ए की दो खुत समेत लापता हो जाने वाले मेजबानों की तादाद तीन हो गई है मुबैना लापता हो जाने की रोकथाम के लिए टोरानटो की परवाजों पर तैनात फिजाई मेजबानों के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के पास जमा कर लिए जाते हैं मगर पासपोर्ट जमा कर लेने की पॉलिसी भी मेज़बानों के स्लिप होने के वाक़ की रोकथाम करने में नाकाम हो गई फ्लाइट मेजबानों की मुबैना लापता हो जाने का जो बुनियादी सबब है वह कौमी एयरलाइन में कम तनख्वाह और मुलाजमत का महफूज मुस्तकबिल ना होना लेकिन ये सिर्फ़ पी आई ए का मसला नहीं है ये प्रॉब्लम यहाँ पर हर इदारे के साथ है अगर कोई यहाँ से जाता है तो मोस्टली लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि वो स्किप कर जाते हैं मैं सबकी बात नहीं करूँगा हंड्रेड परसेंट नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वो कहते हैं चलो जी अब वहीं पर पड़ाव डालते हैं और वहीं पर रहते हैं आ, इन चीज़ों का अब एक तो खैर हमारी जो पाकिस्तान की हालत है उससे भी आ, उसका भी एक बहुत बड़ा असर है इस ऊपर ऐसे नहीं है कि जी वैसे ही लोग आ, अपने कंट्री को छोड़ना और फिर इस तरह का जाना मेरे ख्याल में इतना आसान काम नहीं है एक बड़ा मुश्किल काम है इसीलिए लोग ये सारा कुछ करते हैं बट इससे पाकिस्तान की आ, मजीद मैं यही कहूंगा कि बदनामी होती है और ये सिर्फ शायद कनाडा का मसला नहीं है और भी दुनिया की कुछ कंट्रीज में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अब अगर हम ये कहें कि यार स्टूडेंट्स का भी ये सिलसिला है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वहीं पर रह जाते हैं जो ब्रेन ड्रेन है या फिर स्किल्ड लोग हैं वो भी निकलने की कोशिश करते हैं वो यहाँ से जाते हैं और वहीं पर आबाद हो जाते हैं अब ये अब सारी चीज़ें अगर हम देख लें आ, इसके दूसरी तरफ तो इंडियन आ, बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि जो वहाँ पर जो उनके इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं से अमेरिका से यूके से आ, और आ, इसके अलावा यूरोप से क्योंकि उनको पता है कि भाई वहां पे हमें ज़्यादा बेहतर हालात मिल सकते हैं बेहतर जॉब्स मिल सकती है बेहतर चीजें मिल सकती है और सबसे बढ़कर वतन भी अपना मुल्क भी अपना तो फिर इसकी वजह से वो लोग वहां से आ रहे हैं अब इसके मुकाबले में जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो अब यकीन जाने कि लोग मतलब जो भी तरीका उनका जो भी जुगाड़ मैं कहूँगा कि जो भी उनका जुगाड़ लग जाता है तो वो फिर मुड़ के नहीं देखते मैं फिर वही बात करूंगा कि सबकी बात तो नहीं करता लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो जाते हैं तो उसके बाद वो वापस नहीं आते और उसकी वजह मैंने आपको बताया कि यहाँ की सिक्योरिटी की सिचुएशन यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ की इनसिक्योरिटीज़ जब तक ये खत्म नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि ये सिलसिला रुक सकता है एक यरोस्टस मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी जॉब या हाई फाई जॉब होती है लेकिन अच्छी होती है अः चले पैसे भी कुछ बेहतर मिल जाते हैं